हेलो दोस्तों, मैं अनु सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। दोस्तों, इस चटनी को घर में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और ये चटनी खाने में खट्टी मीठी होती है, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस चटनी की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस चटनी को बनाकर 3 से 4 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है, और जब भी आप दही बड़े, चाट, भेलपूरी बनाएं तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब देर ना करते हुए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले इमली को हल्के गुनगुने पानी में भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने 25 ग्राम इमली ली है, जिसको मैंने भिगो दिया है। अब देखिए, इमली को भिगोए हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं हाथों की मदद से इसको मैश कर लूँगी, क्योंकि यह इमली गर्म पानी में भीगी हुई थी, इसलिए ये जल्दी से फूल जाती है और आसानी से मैश हो जाती है। इसको मैश करने के बाद अब मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से मसलते हुए छान लेंगे, ताकि इसमें जितना भी पल्प है वो सारा का सारा निकल जाए। अब मैं इसको एक बार और पानी में वॉश करके दोबारा से छान लूँगी, ताकि इसमें जितना भी पल्प रह गया वो भी अच्छे से निकल जाए। और फिर उसके बाद मैं इसमें 400 ग्राम के करीब गुड़ मिला दूँगी। आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी भी हमें इसी मात्रा में इसके अंदर डालनी होगी। अगर आप थोड़ी ज़्यादा मीठी सॉल्ट खाते हैं तो आप इसमें चीनी की मात्रा या गुड़ की मात्रा थोड़ी और बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद हम इसको पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। ये देखिए, हमारा जो गुड़ है वो पूरी तरह से घुल चुका है, आप देख सकते हैं। इसको पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंठ मिला देंगे, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच नॉर्मल नमक जो हम खाते हैं वो, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 30 सेकंड के लिए हम इसको और पका लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जो हमारी सॉल्ट है वो थोड़ा सा पतली ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना पोरिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है वो बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। जब ये गर्म थी तो ये हल्का सा पतली थी, लेकिन ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं जो चम्मच है उसके पीछे इसकी कोटिंग कितनी अच्छी आ रही है, इसका मतलब जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। इस चटनी को आप 3 से 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।